बहुत लोगों का एडिक्शन हो रहा है आजकल, पर है कॉन्टिन्यूअस फेसबुक देख के टाइम बर्बाद करना, नहीं तो यूट्यूब देख के टाइम बर्बाद करना, व्हाट इज द रेमेडी? साधन ना हर एक व्यक्ति के पास वही होते हैं। आपके पास एक गैजेट आ गया, जिस गैजेट के अंदर आप चाहो तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उससे अपना बिजनेस जो है, अपना काम जो है वो बढ़ा सकते हो, आप अपनी लर्निंग को अपग्रेड कर सकते हो। पर हो क्या रहा है, डिस्ट्रैक्शन 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 जो है वो डाली जा रही है। कैसे डाली जाती है? उस चीज को जब आप यूज करते हो ना, जिसका नाम फेसबुक है या यूट्यूब है या इंस्टा है, उनके एल्गोरिदम्स ऐसे सेट किए जाते हैं कि आपने बाय डिफॉल्ट जब एक बार एक चीज पे क्लिक कर दिया तो वही चीजें बार 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 आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके कारण से बार 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 टैपिंग कहां जा रही है? बुध के अंदर। बुध यानी कि मरकरी, मरकरी यानी कि चेतना, चेतना से उठकर के फिर वो कहां चले जाती है? अवचेतन में। तो यानी कि वो टैपिंग जो बार बार की जाती है, एक प्रोडक्ट को दिखा करके, एक संगीत को दिखा करके, एक कोई भी चीज दिखा करके, वो टैपिंग बार बार करते करते कहां चलेगी? आपके सबकॉन्शियस में। तो अब आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न बन गए। अब आप जब भी फेसबुक खोलोगे ना, तो कोई ऐसा काम करना शुरू कर दोगे जो काम आपके सबकॉन्शियस के अंदर फीड हो चुका है। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी वो चीज हो सकती है। आपने एक बार अगर फेसबुक पे झगड़ा होते हुए किसी की वीडियो देख ली, तो वैसी सी वीडियो से आपको दिखने शुरू हो जाएंगी, और फिर आपको मजा आने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका माइंड किस समय प्रोग्राम कर दिया गया कि आप ऑल टुगेदर कहां पे चले गए उस, क्योंकि वो मशीन है, वो इंटेलिजेंस, वो कैसी इंटेलिजेंस है? उसको ये नहीं पता कि ये चीज आपके लिए अच्छी है या बुरी है। उसको ये पता है कि इसने एक बार ये देखी तो इसको ये देखना पसंद है, और वही चीज आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। वो धीरे धीरे करके क्या हो गई, एडिक्शंस का हिस्सा बनती चली गई। ये एक मेजर पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि एक एडिक्शंस कब होती है, जब एक आदमी दिशाहीन हो जाता है। दिशाहीन यानी कि उस व्यक्ति की बुद्धि सही से काम नहीं कर रही। इसलिए ज्योतिष के अंदर बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया, बिकॉज वो जिस ओर जाएगा ना, उस ओर बस वो चल पड़ेगा, पीछे देखेगा नहीं कि मेरे लिए अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है। तो जिस भी व्यक्ति को एडिक्शंस की प्रॉब्लम है, चाहे वो फेसबुक की एडिक्शन है, चाहे वो किसी भी चीज की एडिक्शन है, यानी कि उसका बुध प्लैनेट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है कि उसको करना क्या है, क्या करना उसके लिए उचित है, क्या करना उचित नहीं है। सो दो प्लैनेट्स अगर आप अलाइन करते हो ज्योतिष के माध्यम से या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से या वास्तु के माध्यम से भी, वो दो प्लैनेट कौन से हैं? एक पहला प्लैनेट बुध और दूसरा बृहस्पति। तो एडिक्शंस यानी कि राहु, वही बात आ गई ना, एडिक्शंस कौन सा देता है? राहु। तो जब आपने एडिक्शंस के प्लैनेट की रूट पकड़ ली कि मैं इसको बुध और बृहस्पति से ठीक कर सकता हूं, वो तीनों मीडियम्स मैंने आपको सिखाए, किस तरीके से आप वास्तु में जाकर के करेक्शन करते हो, किस तरीके से न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाकर के करेक्शन करते हो, तो वैसे किया जाएगा। तो जैसे आप उसका उपचार करना शुरू करते हो, ऑटोमेटिकली चीजें सही होनी शुरू करती हैं। हाँ, जो लत लग गई ना, वो किसकी है? वो राहु की ही है। तो राहु के दान डोनेशंस या राहु के न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज या राहु के संबंधित घर के अंदर अगर कोई सामान रखा है, चाहे वो खराब इलेक्ट्रॉनिक्स हो, खराब चीजें क्यों ना हो, वो राहु के खराब होने की संकेत है कि अब ये राहु जो है ना, वो गलत दिशा के अंदर बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में आप उसको हटाते हैं, खोटे सिक्के हो गए, खराब घड़ियां हो गई, खराब मोबाइल फोन्स हो गए, ये क्या है? जब ये होगा तो बुध खराब हो गया। राहु ने किसको खराब कर दिया? बुध को। घड़ियां मतलब जो चलती हैं वो बुध, जब खराब हो गई तो वो राहु। मोबाइल फोन जब चलते हैं तो बुध, खराब हो गए तो राहु। यानी कि बुध को कौन खराब करता है? राहु। बुद्धि को कौन खराब कर रहा है? जब बुद्धि कहां चलेगी? उल्टे कामों में चलेगी, तो राहु, समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में क्या करना है, क्या करना है? राहु को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को अलाइन करना और राइट विजन देना, दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट विजन यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की क्लियरेंस, और वहां एक टारगेट है ना। मुझसे तो उपाय पूछो कि आपको चाहिए कहां भाई, हम वहां जाकर के फिट कर देंगे, और हर जगह फिट करते आने चाहिए। चाहे न्यूमरोलॉजी में बोलोगे तो न्यूमरोलॉजी में फिट कर देंगे,
एस्ट्रोलॉजी में बोलोगे तो एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में बोलोगे तो वास्तु में।